रेसिपी पनीर चिल्ली एंड बटर नान, ठीक है। आज मैं नाइट में बनाऊंगी डिनर पे, ठीक है। उसके पहले मैं इवनिंग वॉक करके आती हूँ। आज मैंने मॉर्निंग वॉक मिस कर दी, इसलिए मैं इवनिंग वॉक कर रही हूँ। छत पे ही, अपने छत पे ही हूँ। पनीर चिल्ली एंड बटर नान। चलिए मैं अभी पहले ये आटा को, मैदा को गूंद के दिखाऊंगी कैसे मैं गूंदूंगी। पहले नान की मैं तैयारी करती हूँ, देन फिर बनाऊंगी ये पनीर चिल्ली। ओके, नान के लिए 2 कप मैदा लिया है, ये 2 कप मैदा। और 2 कप मैदा में हमारा 1 बड़ा चम्मच दही लगेगा, दही। और ये चीनी, आधा चम्मच चीनी होगी, 1 चुटकी ये खाने का सोडा, मीठा सोडा। और 1 बड़ा चम्मच से ये बेकिंग पाउडर, रिफाइंड ऑयल और ये नमक। बस इतना आटा गूंथने के लिए मैं गूंथ के दिखाती हूँ। हमने आज मैदे को गूंथ लिए, गूंथ के रख लिए। अब मैं इसको 3 घंटे के लिए रेस्ट पे रखूँगी। थोड़ा सा ऑयल को इस तरह से, मैं इसको 3 घंटे के लिए रेस्ट पर रखने जा रही हूँ। पनीर चिल्ली के लिए पनीर है, पनीर में हमने थोड़ी सी ये कॉर्नफ्लोर डाली है और रेड चिल्ली पाउडर डाली है थोड़ी सी। इसको मैं फ्राई करूँगी, ठीक है। और मैं इंग्रेडिएंट्स दिखाती हूँ, दिखाऊँ। ये 2 प्याज हमने कट कर लिए हैं ऐसे खुले खुले, और ये 1 बड़ा सा शिमला मिर्च, और ये 5-6 हरी मिर्च है, इसको मैंने 20-20 से ऐसे कट कर लिए है, ठीक है। ये लहसुन, अदरक, चिल्ली सॉस, सोया सॉस, नमक, टोमेटो सॉस, सेजवान सॉस और ये कॉर्नफ्लोर। इसमें थोड़ी सी हमने काली मिर्च पाउडर भी ऐड की है। अब मैं जा रही हूँ इसको फ्राई करने। इसको थोड़े ही थोड़े डाल के फ्राई करिए, एक साथ मत दीजिए। थोड़े थोड़े करके डालिए। हमने रिफाइंड ऑयल डाली है 1 चम्मच। अब इसी के साथ मैं ये डालूंगी, बटर डालूंगी।
लहसुन अदरक हरी मिर्च इसको भी मैं पहले डाल के फ्राई किए भूनूंगी, कच्चा पन निकालूंगी इसका, इसके बाद ही मैं प्याज को डालूंगी। फ्लेम को हमने हाई रखा है, चाइनीज फूड का फ्लेम जो गया है जो है वो हाई ही रहता है। लहसुन अदरक हरी मिर्च ये भून चुकी है, अब मैं इस प्याज को डालती हूँ। नमक को भी मैं ऐड कर दी हूँ। थोड़ी प्याज सॉफ्ट हो गई है, इसी के साथ मैं ये शिमला मिर्च को भी डाल देती हूँ। फ्लेम हमारी बिल्कुल हाई है, फ्लेम देखिए हमने हाई रखा है। भून चुके हैं, बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है, प्याज को ज़्यादा भूनना नहीं है, थोड़ा सा क्रंची रहती है तो भी ठीक लगती है। अब हमने टोमेटो सॉस डाल दिया है, टोमेटो सॉस, चिली सॉस, सोया सॉस, टोमेटो सॉस, चिली सॉस, सोया सॉस, ये शेजवान सॉस, शेजवान सॉस और ये काली मिर्च। बहुत ही अच्छी चाइनीज फ्लेवर आ रही है, बहुत ही अच्छी आ रही है। इसी के साथ मैं ऐड कर रही हूँ सोनफोर, एक बड़ा चम्मच है, मैं इसको डाल रही हूँ। बहुत अच्छी फ्लेवर आ रही है, बटर नान के साथ मैं खाऊंगी। लॉकडाउन का मजा लीजिए, बनाइए खाइए, बाहर की चीजें तो खानी नहीं है। बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत ही अच्छा दिख रहा है, बहुत अच्छा। आपको भी? हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। हमने जो पनीर फ्राई कर रखा था उसको मैं डाल रही हूँ। लग रहे हैं मार्केट के जैसे? बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ी सी विनेगर में दे रही हूँ, आप अगर फूड चाइनीज फूड कलर नहीं देना चाहते हैं तो कश्मीरी मिर्च दे दीजिए, हमने कश्मीरी मिर्च दे दिए कलर के लिए, हमने कश्मीरी मिर्च से कलर आ गई देखिए, और शेजवान सॉस से भी कलर आती है, टेस्ट अच्छी भी हो जाती है। चलिए हमारी ये रेडी हो गई पनीर चिल्ली, अब मैं नान बटर नान बनाऊंगी। पनीर चिल्ली इज रेडी। कितनी अच्छी बनी है देखिए, है ना, कलर कितने अच्छे आए देखिए। हमने ड्राई रखी है पनीर चिल्ली, अगर आप इसमें ग्रेवी रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, ग्रेवी के साथ खाइए, हम लोगों को पसंद है ड्राई ही पसंद है, ठीक है। हमने नान के लिए इस तरह का लोई बना, रोटी से थोड़ा सा बड़ा हमने ली है, देखिए इस तरह का पेड़े बना के हमारे हमने रख ली है।
थोड़ा मैदे से इसको डस्ट करूँगी। आप इसको जिस साइज में चाहे बेल सके, ओवल साइज में, गोल, आपकी इच्छानुसार। थोड़ी सी थिक रहेगी। हमने ओवल साइज की बेली है, मैंने इसको घुमा घुमा के ऐसे बेला है। आप इसको उठाएंगे नहीं, इसे चकला को घुमा लेंगे, ठीक है। अब इसमें मैं थोड़ी ये धनिया पत्ता को डालूंगी ऊंचा, और ये मंगरैल, इसको आप हल्के हाथों से ऐसे बेल दीजिए, हल्के हाथों से बस। इसे अच्छे लगते, सुंदर लगते हैं देखने में। और इसको आप फ्लिप कर दीजिए, फ्लिप करके पानी से ऐसे टैप करके, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी, जिस साइड में आप पानी लगाए हैं उसको ऐसे तवे पे दे दीजिए। दो से तीन मिनट में बबल्स आ जाएंगे। देखिए बबल्स आना शुरू हो गए, स्टार्ट हो गई है, अच्छी फर्मेंट हुई थी, मैदे की फर्मेंट बहुत अच्छी हुई थी। दो मिनट हो गई है, मैं इसको जस्ट टर्न कर देती हूँ, अब ऐसे सेकूँ। रोटेट करके घुमा घुमा के सेक लीजिए। देखिए कितनी अच्छी सीकी है, पीछे से भी देखिए, देखिए लग रहा है रेस्टोरेंट की तरह। देखिए अब इसमें मैं बटर लगाऊंगी। पनीर चिल्ली के साथ मजा आएगा खाने में। दूसरी नान भी हमारी तैयार हो गई है। देखिए अब मैं इसको, बबल्स आ गए, मैं इसको भी टर्न कर दूँ। ये भी बहुत अच्छी सीख गई है, बहुत अच्छी सीख गई है। देखिए देखिए इधर से भी देखिए कितनी अच्छी सीख गई है। तो पहली बार बनाया, नहीं पहली नहीं, बहुत बार बनाया, लेकिन बहुत टेस्टी है। लेकिन अब पनीर चिली भी काफी टेस्टी है। चल इसी के साथ आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और जो लोग भी नए होंगे वो भी सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप तक नए वीडियोस एंड रेसिपीज